एपिसोड 4 की शुरुआत में हम एक ग्रुप को देखते हैं जिसका नाम पैराडाइज है और उस ग्रुप का लीडर कहता है कि आखिर हम हर चीज के लिए पैसे क्यों देते हैं, क्या हम इसे एक दूसरे के साथ मिल बांट कर नहीं खा सकते। अमीर आदमी और मोटा होते जा रहा है और गरीब आदमी मरते जा रहा है, आखिर एक आजाद दुनिया कहाँ है, क्या काम करने में मजा आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं हैमरहेड, मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें जिसे काम करना होगा वो काम करेगा और जिसे नहीं करना होगा उसे भी सब सपोर्ट करेंगे। इतनी बढ़िया स्पीच देने के बाद हैमरहेड का एक चेला बोलता है कि बॉस आपकी बातें तो कोई भी नहीं सुन रहा। हैमरहेड गुस्से से कहता है कि ये सब तो पागल हैं, मैं इस सिटी के सबसे अमीर आदमी जेनेरो का घर गिरा दूंगा, उसके बाद सभी को पता चलेगा कि मैं कितना ज़्यादा सीरियस हूँ। और एक बिल्डिंग के पास पहुँचता है और उसे एक ही पंच में पूरी बिल्डिंग को तोड़ देता है एंड कहता है कि ये बैटल सूट चुराने में भले ही मेहनत लगी हो लेकिन ये काम के तो बहुत हैं। तभी एक चेला कहता है कि बॉस हमने गलत बिल्डिंग गिरा दी है, जेनेरो का घर तो यहाँ से थोड़ी और दूरी पर है। ये सुनकर हैमरहेड कहता है कि गलतियाँ तो सभी से होती है लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस गलती से सीखो, और बोलता है कि चलो जेनेरो के घर। तभी उसके पीछे एक साइक्लिट जस्टिस आता है जो कि एक नॉर्मल इंसान है लेकिन उसमें हिम्मत बहुत है, पर कहते हैं ना हिम्मत ताकत के सामने कोई काम नहीं आती, इसलिए हैमरहेड एक ही मुक्के में ही मुमिन राइडर के छक्के छुड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ साइतामा मस्त सो रहा होता है लेकिन एक डरावने सपने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और उठने के बाद वो ब्रश करते हुए न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें उन पैराडाइज की न्यूज़ ही चल रही होती है। वैसे तो इससे साइतामा को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि उन सब ने अपने सर के बालों को शेव किया है तब साइतामा के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि अगर आपको कोई भी टकला आदमी दिखे तो उससे तुरंत ही दूर हो जाओ और वहाँ से भाग जाओ। ये सुनते ही साइतामा की खसक जाती है क्योंकि वो भी तो टकला ही है और उनकी वजह से साइतामा का नाम खराब होगा, इसलिए साइतामा फिर उन्हें रोकने के लिए निकलता है। वहीं जेनेरो का एक आदमी उसे वहाँ से दूर जाने को कहता है लेकिन जेनेरो बोलता है कि मैं कुछ आतंकवादियों के डर से कहीं पर भी नहीं भागने वाला। तभी एक निंजा जिसका नाम सोनिक है वो कहता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका लक अच्छा है कि मैं अभी भी आपका बॉडीगार्ड हूँ, आप बस उनके शरीर को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। और इसके बाद सोनिक हैमरहेड के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मेरा नाम सोनिक है, मैं कभी भी किसी से नहीं हारा हूं और ये रिकॉर्ड मैं कंटिन्यू रखना चाहूंगा, इसलिए अगर तुमने अभी सरेंडर कर दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन हैमरहेड की गैंग सोनिक पर अटैक कर देती है पर सोनिक एक सेकंड के अंदर ही सभी की गर्दनें काट देता है। ये देखकर हैमरहेड सोनिक को एक चट्टान फेंक कर मारता है जो कि सीधे जेनेरो की बिल्डिंग में जाकर लगती है। वहीं पर ही साइतामा भी रहता है जिससे सभी लोग साइतामा को देखकर आतंकवादी आतंकवादी बोलना चालू कर देते हैं। वहीं हैमरहेड सोनिक से फाइट कर रहा होता है लेकिन सोनिक की स्पीड बहुत ही तेज होती है और वो हैमरहेड के सर के पीछे एक ब्लेड मारता है जिससे सोनिक को लगता है कि वो मर गया है और ये बात सोनिक जेनेरो को बता देता है। लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर हैमरहेड की बॉडी नहीं रहती है, असल में वो वहां से भाग गया होता है। वो कहता है कि मेरी खोपड़ी इंसानों की तुलना में बड़ी है इसलिए मैं बच गया, लेकिन आगे जाकर उसे साइतामा मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिनोस डॉक्टर क्रिसिनो के पास अपने बॉडी पार्ट्स लगवाने जाता है क्योंकि काबुटो ने उसकी हालत खराब कर दी थी। जिनोस साइतामा के गुण गा ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर क्रिसिनो कहता है कि मैं समझ गया, साइतामा जरूर बहुत ही पावरफुल होगा इसलिए तुम उसकी ताकत के गुण गाते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे न्यू पार्ट्स बनकर तैयार हो जाएंगे तो फिर तुम भी शायद साइतामा से ज़्यादा पावरफुल हो जाओ। वहीं हैमरहेड साइतामा पर स्पिन अटैक करता है। साइतामा देखकर कहता है कि हाँ ये तो मैं बचपन में किया करता था, और अपने दोनों हाथों से उसके अटैक को रोक लेता है और सिर्फ एक हल्की सी कोहनी से ही उसके पूरे सूट को ही तोड़ देता है। ये देखकर हैमरहेड की फट जाती है, वो कहता है कि रुको मैं तो बस नौकरी नहीं करना चाहता था। साइतामा कहता है कि भागो यहाँ से और अब से कोई हंगामा मत मचाना, और इतना सुनकर ही हैमरहेड वहां से नंगा ही भाग जाता है। साइतामा भी वहां से जा ही रहा होता है तभी सोनिक उस पर पीछे से अटैक करता है लेकिन साइतामा उसके अटैक्स को बड़े ही आराम से रोक देता है। सोनिक को लगता है कि साइतामा भी उसी पैराडाइज गैंग का मेंबर है। साइतामा बोलता है कि नहीं मैं एक हीरो हूँ जो कि उन लोगों की मदद करता है जो मुसीबत में होते हैं। सोनिक कहता है कि मैंने तो तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। कोई बात नहीं, तुमने मेरे अटैक्स को रोका है, ये मेन प्रॉब्लम है,
मैं बचपन से ही एक निंजा विलेज में अपने मूव्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुमने मेरे अटैक्स को रोक दिया, ये भुलाने लायक नहीं है, सायतमा मन में ही बोलता है कि आखिर क्या बोल रहा है। तभी सोनिक अपने फुल स्पीड में सायतमा के आसपास घूमने लगता है, उसे लगता है कि सायतमा उसे देख नहीं पाएगा, लेकिन सायतमा सोनिक को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। सोनिक चौंक जाता है और फिर वो सायतमा पर अपनी किक से अटैक करता है, लेकिन गलती से सायतमा का हल्का सा मुक्का सोनिक के गोटो पर टच हो जाता है। सायतमा इसके लिए सोनिक से माफी मांगता है क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। वहीं सोनिक को इससे बहुत ही दर्द होता है और वो कहता है कि मेरा पूरा नाम स्पीड और साउंड सोनिक है। सायतमा भी अपना नाम बताता है। सोनिक कहता है कि अगली बार मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करके आऊंगा और फिर तुम्हें जरूर हराऊंगा। सायतमा कहता है कि ठीक है, दिल लगाकर ट्रेनिंग करना। इसके बाद सायतमा घर आ जाता है और वहीं पर ही जिनोस भी रहता है। सायतमा जिनोस को सोनिक की पूरी कहानी बताता है और फिर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने घर जाओ, हम कोई रिश्तेदार तो नहीं है जो तुम मेरे घर पर रहो। जिनोस कहता है कि मैं आपके जैसा ताकतवर बनना चाहता हूँ। सायतमा कहता है कि जाओ यहाँ से, मैं अभी एक सीरियस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ। जिनोस पूछता है कि क्या है वो प्रॉब्लम, तो सायतमा फिर उसे बताता है कि कल के हादसे से मुझे ये पता चला कि मुझे कोई जानता ही नहीं है। पता है उस सोनिक ने भी यही कहा, मैंने पिछले 3 सालों से कितने ही मॉन्स्टर को मारा है, कितने ही लोगों की जान बचाई, उनकी मदद की, लेकिन उसके बाद भी आज तक किसी भी पेपर में मेरा कोई भी जिक्र नहीं किया गया। मैं जो भी काम करता हूँ उसका क्रेडिट कोई और ही ले जाता है, और तो सिटी के लोग मुझे आतंकवादी समझ रहे थे। जिनोस कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, मैंने भी कभी भी आपका नाम किसी भी पेपर या न्यूज़ में नहीं सुना, यहाँ तक कि कल की न्यूज़ में भी उन पैराडाइज को हराने का क्रेडिट उस वुमेन राइडर को मिल गया। जिनोस सायतमा को बताता है कि क्या आपने कभी हीरो एसोसिएशन का नाम सुना है, उसमें सभी हीरोज को एक टेस्ट देना होता है जिसके रिजल्ट के बेसिस पर उन्हें रैंक दी जाती है, और उसके बाद हर मॉन्स्टर को मारने के बाद हमें पैसे भी मिलते हैं। सायतमा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सभी कुछ होता है। जिनोस, क्या तुम भी उसका पार्ट हो? जिनोस कहता है नहीं, क्या मुझे होना चाहिए? तो सायतमा कहता है कि चलो हम दोनों रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर तुम भी मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना स्टूडेंट बना लूंगा। जिनोस ये सुनकर फट से हाँ कर देता है। वही हैमरहेड के पास 2 लोग आते हैं। असल में इन्हीं दोनों ने अपने सूट्स को चुराने दिए थे ताकि वो उन्हें टेस्ट कर सकें, और इतना कह वहाँ से चले जाते हैं। और हैमरहेड फिर रोते हुए कहता है कि मोम मैं अब जॉब करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।